दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके ही चैनल सोशल उद्यत पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ लोगों के रिएक्शंस, जो लोगों का जवाब आ रहा है, जो लोगों का मशवरा आ रहा है, जो लोगों का सवाल उठ रहा है EPS 95 पेंशन को लेके। चूंकि 15 अगस्त भी बीत चुका है और उस समय काफ़ी उम्मीदें थी EPS 95 पेंशनर्स को कि सरकार की तरफ से कुछ न कुछ जो है हो सकता है कि ऐसा अनाउंस किया जाए लाल किले के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन किसी प्रकार का कोई भी ना आश्वासन ना किसी प्रकार का कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन EPS 95 पेंशनर्स के लिए निकल के आया। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखाऊंगा, चाहे वो सोशल मीडिया के हवाले हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके हवाले जो लोगों का रिएक्शन है उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में रिएक्शंस रहेंगे और छोटे मोटे अगर कोई अपडेट रहेगा वो अपडेट रहेगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना लेट किए। हम आपको सबसे पहला रिएक्शन दिखाएंगे यहाँ पर पीएम ने, चूंकि हमारी कोशिश, आपको बता दें दोस्तों कि हमारी जो कोशिश रहती है कि अगर अगर जो एफर्ट डाला जा रहा है EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा और अन्य व्यक्तियों के द्वारा, जो भी सहयोगी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं EPS 95 पेंशनर्स बढ़ाने के लिए, चाहे एगेशन के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से, तो उनकी बातें कहीं दबे ना, वो बातें निकल के बाहर आएँ और लोग जान सकें, लोग समझ सकें कि किस स्थिति और किस परिस्थिति में जो है एक वर्ग है, वर्ग विशेष एक EPS 95 पेंशनर्स का वर्ग है जो कि आज भी सर्वाइव कर रहा है, किन परिस्थितियों में। लोगों तक ये बात पहुंचनी आवश्यक है। तो आइए मैं आपको वीडियो कुछ रिएक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक पहला रिएक्शन है, जैसे आप देख सकते हैं पीएम ने हमारी आशा के ऊपर पानी फेर दिया, अब 21 को क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि 21 को जो है EPS 95 पेंशनर्स के जो है CBT की मीटिंग है। सबसे बड़ी बात है आपको बता दें कि CBT की जो मीटिंग होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी EPFO की CBT की मीटिंग है, और जिस समय 21 तारीख को वो आशा किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ जो है बड़ा सुनने को मिल सकता है EPS 95 पेंशनर्स के लोग। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि पहला रिएक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि हमें उम्मीद थी पीएम से, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से पानी फेर दिया हमारे आशाओं पे। उन्होंने कुछ भी इस तरह से कोई भी काम जो है EPS 95 पेंशनर्स के फेवर में नहीं किया गया अभी तक, और अब उम्मीद किया जा रहा है कि 21 अगस्त को जिसमें कि EPFO की CBT की मीटिंग है, उसमें कुछ ना कुछ जो है अच्छे निर्णय देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आपको कुछ और रिएक्शन दिखाता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जय जी लिखते हैं, जय शर्मा जी हैं, 70 साल की व्यवस्था को कोसा उसका कोई दुख नहीं, भुला दिया उन EPS 95 पेंशनर्स को जिनका अंशदान और योगदान देश को यहाँ तक खींच कर लाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनता, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आप देख रहे हैं। जय जी लिखते हैं कि 70 साल की व्यवस्था को कोसा उसका कोई दुख नहीं है। इन्होंने ये सीधे सीधे जो है बात अपनी रख रहे हैं प्रधानमंत्री के भाषण के ऊपर कि आपने 70 साल की व्यवस्था कोसा उसको कोई दुख नहीं, लेकिन EPS 95 पेंशनर्स को भुलाना ये है दुख की बात, क्योंकि उनके अंशदान और योगदान को जो कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को खींच के लाई है यहाँ तक, उसको आपने भुला दिया, ये बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि EPS 95 पेंशनर्स जो हैं काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हैं, उन्हें एक सम्मानजनक जो है पेंशन अवश्य मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, प्रमोद जी लिखते हैं कि होप इज नथिंग बट गॉड्स यूनिक पावर, होल वर्ल्ड इज रनिंग ऑन द होप एंड दैट इज टुमारो विल बी बेटर देन टूडे, नेवर लूज होप। बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखा है कि जो है एक होप जो है एक ईश्वर की एक यूनिक शक्ति होती है, और जो कि सभी पूरी दुनिया जो है होप के ऊपर चल रही है, आशा के ऊपर चल रही है। टुमारो विल बी द बेटर देन टुडे, ये लिखते हैं कि जो कल आने वाला है वो बेटर होगा आज से, आप कभी भी उम्मीद मत खोइए। बहुत बड़ी बात इन्होंने लिखी हुई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो कि हतोत्साहित, उदास और जो है उदास हो जा रहे हैं। तो बता दें कि हालांकि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, बट फिर भी हमें कर्म करते रहना चाहिए, जैसा कि इस माध्यम से निकल के आ रहा है कि आपको आशा नहीं खोना है, आशा रखना है, और जो भी है समय